को मेरे शोहर है माँ, मेरे को ना घर में बहुत टॉर्चर था, बहुत परेशानी, लड़ना झगड़ना बहुत हो रहा था। तो मेरे को मारे उन्होंने, मार के दो दिन हुआ तो मैं मार के भाग गए उन्होंने। रात के 12 बजे तक मेरे बहन आके इंतज़ार करे, उन्होंने नहीं आए तो मेरे को ला लिए घर पे। उन्होंने घर पे ला लेके क्या करे, आज फ़ोन करे सुबह में उनको, फ़ोन करके बोले क्या हुआ बशीर, आना था। उनका नाम बशीर है, तरकारी का कारोबार करते हैं, शाहीन नगर में रहते हैं, उन्होंने ससुराल है वो मेरा, वहाँ करके दिए मेरे को शाहीन नगर में। तो उन्होंने क्या करे मालूम, मारे मार के भाग जाने की वजह से मेरे को मेरे बहन के घर को आना पड़ा। तो मेरे बहन का वहाँ पे घर है, उन्होंने गए हुए थे काम से, तो उन्होंने रास्ते में मिले तो क्या हुआ, मैं आना था जोरू बच्चों को ले लेके जाना था, चार चार बच्चे हैं तुम्हारे, और बोले सो कहीं को छोड़ते अपनी जोरू को, मारे कि क्या करे कि आओ बोल के बोले। तो बच्चे को तू कौन होती, इनके जो बशीर के बाबा है हमारी बहन को गंदे गालियाँ देना चालू कर दिए, जुम्मा की मंडी रहती आज। बशीर मेरा हस्बैंड है, कहाँ रहते आप, शाहीन नगर में रहती हूँ मैं, हाँ शाहीन नगर में जी। मेरे को मारे तो मारे मेरे को, मेरे जख्मा मेरे को मार के तीन दिन हो गया, ये फोटो है इनकी, मेरे को मार के दो तीन दिन हो गया। तो मेरी बहन आ रहे तो उनको मिल गए रास्ते में, उन्होंने मिलने से पूछे उन्होंने, देखो माँ जोरू बच्चों को ला लो, तीन दिन से घर में वहाँ है, आके ले लेके जो मारे की तोड़े के ख़त्म हो गया ना बोले। तो उनके बाप उन्होंने नहीं लाते, उन्हें पागल हो गई, दो दो दिन को भाग जाती, कहते मैं चार बच्चे पैदा करी, मैं 5 साल हो रहा मेरी शादी होके, मैं पागल हूँ चार बच्चे पैदा करी बोल के बाजार में पकड़ के बच्चे को, बच्चे की माँ को गालियाँ दे। तो बच्चा बोला कहते बात से बात करो, गंदे गालियाँ नको दियो, पूरा बाजार सुन रहा बोलते कि तू बहुत उड़ रहा बोल के बच्चे को मारना चालू कर दिए। तो दूसरा बच्चे को मारे मेरे भांजे को, हाँ मेरे भांजे को मारे, इधर आ बेटे तू, आपके भांजे मारे, आपके हाँ मेरे शोहर मारे, शोहर के दो भाइयाँ मिलके बच्चे को सर में, बशीर उन बशीर के भाइयाँ खलील है, उनके बाप का नाम सत्तार है, मेरे घर वाले है, मेरे को उनसे बहुत जुल्म था बोल के मैं आ गई। मैं आ जाने से हमारी बहन बात करे, बहन बात करे तो क्या बोले उन्होंने, लेने आओ माँ हमारी बहन को बोले उन्होंने, बोले तो बच्चे माँ को गंदे गंदे गालियाँ दे रहा। तो बच्चा ने बर्दाश्त होके बोला कहते गंदे गालियाँ मत दियो, बात से बात करो, बाजार है नहीं तो घर पे आओ बोले तो तेरे घर पे आना रे बोल के बच्चे को एक भाई बंडा लेके मार रहा, वहाँ तल रहे कहते वहाँ ढकलने को जा रहे, एक तरफ दूसरा भाई लेके मार रहे, झारे से मार रहा, उसको कतर दिए पीटों में कटा कर। हाँ मैं बालापुर पुलिस स्टेशन को गई तो वहाँ पे बात उससे बात कर रहे, मैं चांद मीनार को आई हुई हूँ, बालापुर को चले गए शाहीन नगर से, मैं जाके बोल रही तो पुलिस वाले बोल रहे हाँ तुम्हारा को मारा सो तुम्हारा वो है, तुम्हारा क्या कि उल्टा सीधा बोल के एक पुलिस वाले है उनसे बात करी तो पचकड़ा मार देता हूँ कहते पुलिस वाला, बात करने भी दे रहे नहीं मेरे को, मेरे को मारते कहते पचकड़ा वहाँ के पुलिस वाले। तो मैं हमारे भाई क्या कि कंप्लेन करे तुम जाके वो पट्टी का क्या है करा ले के बोलते, साहब वो पट्टी का भी छोड़ो मेरी तरफ से लड़ाई हुई, मेरा भी कंप्लेन करने चाहिए, मेरे को नहीं मालूम था यहाँ आना बोले तो कंप्लेन वम्प्लेन सब सुबह में 9 बजे चलो फिर पुलिस स्टेशन के बाहर ये इन लोगों को बुलाएंगे, मैं इन लोगों को तो भी सुनूंगी बोले तो मेरे को ठहरने नहीं दे रहे, भगा दे रहे पुलिस वाले वहाँ बालापुर पुलिस वाले, ये पेपर आए देखे उस्मानिया को चले जाओ, अगर तुम्हारा पैसा है तो असरा कन पुलिस वाले दिए ये पेपर आए बालापुर में, पैसा है तो असरा को जाओ, पैसा नहीं है तो उस्मानिया को जाओ। तो मेरे कहा पैसा का बच्चे को मैं बताना पड़ता, बच्चे को यहाँ उस्मानिया को लेके आई, तो मैं क्या करे क्या नहीं क्या लिखे नहीं मालूम, मैं उर्दू मीडियम से हूँ, मेरे को इंग्लिश आता भी नहीं मामी को पढ़ने। अब हुकूमत से क्या चाह रहा है, अब वो क्या है उन्होंने मारे सो एक, और मेरे को जो जुल्म है उसकी वजह से ये लड़ाई हुई, इनका तो कोई मैटर ही नहीं है, वो हिसाब से मेरे को बात करना है, अगर इंसाफ होना है मेरे को, मैं अलग हूँ तो भी तकलीफ ही है मेरे को, मैं चार बच्चे कैसा पैदा करती हूँ। माँ पुलिस वालों के सामने बोल रहे थे दीवानी है हर दो दिन की भाग जाती हो, तो पुलिस वाले पूरी तहकीकात करना, मैं दो दो दिन को भागती तो कहीं ना कहीं फोटोज है, गली में कैमरे है मेरे भी और महल्ले के बड़े बड़े, मैं बस जबान हूँ, मेरे आजू बाजू किराएदार हैं, मैं बाड़े के घर में रहने वाली हूँ, मेरी बस जुबानी पूछना पुलिस वाले इंसाफ दिलाना। मैं इससे पहले दो तीन बार मैं ये मिर्चौक पुलिस स्टेशन में केस है मेरा, फिर ये लेडीज कांस्टेबल बोल के वो कहाँ की भेजे थे, क्या एरिया है वो होम एसटी बोल के वहाँ भेजाए, हाँ फिर फलक नुमा पे मेरे को काउंटिंग सेंटर पे भेजाए, मेरे को अभी तक इंसाफ नहीं मिला माँ, ऐसे ऐसे में चार बच्चे हो गए, फिर मैं पागल कहला रही हूँ, कोसा भी पुलिस वाला मेरे से एक्शन नहीं ले रहा और मैं बहुत तकलीफ उठा रही हूँ, मैं चार बच्चे पागल औरत कैसा पैदा करती, पुलिस वाला भी पचकड़ा मार देता हूँ कहते, मैं वो पुलिस वाले को भी दिखाती हूँ बताती हूँ बालापुर पुलिस स्टेशन, और शाहीन नगर से मेरे को बालापुर पुलिस स्टेशन ही भेजा देते हमेशा ना, वहाँ कंप्लेन से लेते और वो कौन की पुलिस वाला, हमारे केस से पहले पुलिस वाला आ गया ना, हम बुलाए ना उन्हें बुला, खाली फोन करते कि पुलिस वाला आया, कौन सा पुलिस वाला, मैं उससे भी मिलाती हूँ आपको बिना केस के, उनके कौन के रिश्तेदारों को फोन कर लिया, तो फलक नुमा पीएस से कांस्टेबल है नहीं मालूम उन्होंने क्या है उनकी ड्यूटी, उन्होंने एक आदमी को भेज डाले उन्होंने पुलिस के ड्रेस में है, आके बाजार में से मेरे जो मार्क है इनको मेरी बहन को मेरा मर्द पचकड़ा मार दिया मुँह पे बाजार में,
पचकड़ा मारा तो लेडीज पुलिस अगर आ गई तो लेडीज के तरफ ठहरती या जय से बात करती, पुलिस स्टेशन को लेडीज को ले लेके जाना, उन्होंने रास्ता नहीं मालूम, अंधेरी रात है, पहाड़ी की रोड है, जवान बच्ची है, बीएससी पढ़ रही, 12 क्लास पढ़ रही, सो बच्ची है, डॉक्टरिंग की पढ़ी कर रही, वो बच्ची है, इन औरत जात को पुलिस वाला मर्द आदमियों को बिठा लेके चले गया, वो पुलिस वाला छोड़ दिया, दो औरतों को छोड़ के तुम पुलिस स्टेशन को आ जाओ बोल के चले गया, मेरे को वो पुलिस वाले से भी बात करना है, और मेरे को सुबह 9 बजे आना, आप कुछ भी नहीं करते बोल तो खून जा रहा ना भाई, बोले तो चले जाओ, हाँ खून जा रहा तो भी दवाखाने का चलाना कहते, मगर केस वेस कुछ भी नहीं, खाली हिस्ट्री लिख दिया मैं, आपका केस सुबह में होगा बोल के मेरे को बढ़ा दिया, मैं उस्मानिया को आ गई, हमारे भावना की टी शर्ट, शाहीन नगर को गए थे हम लोग काम से, तो रास्ते में मिल गए ना बशीर भाई हमारे अंकल, तो हमारे वालदा बोल रहे थे आना था लेके जाना था, दो तीन दिन हो गए कई को ऐसा छोड़ के रह रहे हैं बोले तो, किसको लेके जाना था, हमारे खाला को लेके जाओ बोले तो, उनके बाबा थे पीछे दुकान पे बैठे हुए, हमेशा पी ले के रहते हो ना, अब नहीं पी के थे, अब बैठे हुए थे अच्छे, गालियां दे रहे हैं, गंदे गालियां दे रहे हैं, अब उन्होंने ज़यीफ है उनको कुछ भी नहीं बोल सकते बोल के, मैं क्या बोला चीचा बात से बात करो, गालियां नको दियो बोले तो, हमारे अंकल क्या बोल रहे हैं बशीर तू बहुत उछल रहा रे, तेरा बहुत देख रहा हूँ बोल के आके गला पकड़ लिए, गला दबा दिए कि मैं भी ढकल दिया भाई, गला दबाए तो ढकल दिया कि उनके दो तीन भाई आ गए, एक भाई वहाँ चिकन बेचता तल के, वो चिकन की एक जना तरकारी बेचता, उन्हें बंडा उठा के सर पे मार दिया 2 किलो का, और उन्हें तेल वो चिकन तलतास वाला क्या क्या कर रहा ढकल के तेल करने ले गया, इसमें डाल देता हूँ ना तेरे को यहीं झारा डाल के यहीं सुला देता हूँ बोल के ऐसा धमकी दे रहे हैं बशीर भाई के भाई, नाम क्या है उसका, बोल क्या है, खलील है, खलील खय्यूम है, बोल खलील खय्यूम, तीन जने हैं लोग, तीन जने मिलके मारे, तीन जने मिल, ए दो जने पकड़े बशीर भाई मारे, बशीर भाई आपके अंकल है, अंकल है, क्या काम करते हैं, तरकार भाजियां बेचते हैं, ठीक सरकारी बता, मेरी शादी हो गई।